फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अनबॉक्सिंग। मुझे पता चल गया होगा, अनबॉक्सिंग का नाम सुन के ना बहुत सारे लोग दुखी हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे सुहानी दीदी ने तो बोला था कि वो एक प्लेन वीडियो लेके आएगी, तो फिर से अनबॉक्सिंग क्यों? फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी चल रहा है फेस्टिवल, सब चल रहा है, अभी दिवाली आने वाला है और दिवाली के लिए सब लोग सेलिब्रेशंस में लगे हैं, सब लोग तैयारी पे लगे हैं और हमारे घर पे भी सब तैयारी चल रहा है, तो कोई टाइम ही नहीं दे पा रहा शूट करने के लिए। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी इस जगह में अगर मैं डॉल स्टोरीज की शुरुआत करूंगी तो उसके लिए हमें डॉल हाउस चाहिए, तो पापा डॉल हाउस को रीमेक करेंगे, बनाएंगे बहुत सारा, तो उसके लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड का वो सब काम मम्मी बहुत गुस्सा आ जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने सोचा कि दिवाली खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे हमारा स्टोरीज, और जिसके लिए हमें डॉल हाउस बनाना है और जो उस डॉल स्टोरीज के पूरे रिलेटेड वीडियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार दिवाली खत्म हो जाने दो, फिर आपको बहुत सारे डॉल स्टोरीज रिलेटेड वीडियोज ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को मैं ज्यादा अनबॉक्सिंग कम और प्लेइंग ज्यादा दिखाऊंगी, तो चलो फ्रेंड्स इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है एक बर्थडे सेट, और बर्थडे सुनने के बाद क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और मेरा भी बर्थडे आने वाला है। और फ्रेंड्स, चलो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। और फ्रेंड्स, एज इट इज इसके अंदर हमें 4 ट्यूब्स मिलते हैं, और फ्रेंड्स क्ले का कलर चेंज नहीं होता, तो आज मैं ना पक्का कलर चेंज करूंगी क्ले का। और यहाँ पे हम ब्यूटीफुल बर्थडे पार्टी भी तैयार कर सकते हैं थीम। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ हम लोग क्या नाम रखेंगे, मेरा या फिर साई का रख लूंगे, स्पेस के हिसाब से। और फ्रेंड्स, ये है गिफ्ट बॉक्सेस, पार्टी हैट्स, इनविटेशन कार्ड्स एंड मच मोर इनसाइड, मतलब इतना कुछ हमें इसके अंदर मिलेगा। और पीछे देख रहे हो, पीछे तो पूरा यहाँ पे बताया गया है कि हमें इसमें क्या क्या मिलेगा, मतलब आपको बर्थडे में जो जो चाहिए यहाँ पे सब आपको अवेलेबल हो सकता है इसके अंदर, मतलब हम लोग जो खेलते हैं वैसे, रियल बर्थडे नहीं, ठीक है? नहीं तो रियल में अगर आप बोलोगे कि हो गया आपका बर्थडे, ये लो, तो नहीं। और फ्रेंड्स, आप बर्थडे में अगर बर्थडे सेट अगर गिफ्ट करोगे तो ये भी अच्छी बात है भाई, बर्थडे वाला बर्थडे थीम। चलो फ्रेंड्स, अब जल्दी से इसे अनरैप करते हैं और निकालते हैं इस अंदर का कंटेंट। आपको देख सकते हो यहाँ पे कि हमें क्या क्या मिला है, पहले तो क्ले, तो चलो सब क्ले का हालत देख लेते हैं कैसे कैसे है। ओके, ये थोड़ा स्टिकी है बट काम चल जाएगा। ये है रेडू, ओह माय गॉड, ये क्या है, ये तो लग रहा है कि पत्थर है, वो इसके सर में अगर मारेंगे तो लग जाएगा यार, ऐसे क्यों हो सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसको मंगा के बहुत देर हो चुका है, और हम लोग जब क्ले स्टोर करते हैं तो इतना पत्थर नहीं होता, पत्थर भी है और क्ले भी, ऐसे बोल सकते हैं, इतना इनमें से हार्ड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग इस क्ले को साइड में रख लेंगे, और मेरे पास जो इतना बड़ा सेट में जो बहुत सारे क्ले हैं उसको मैं लेके आ जाती हूँ, और उसको मैं इसमें यूज कर लूंगी, और इससे क्या होगा, हमारा क्ले वेस्ट नहीं होगा। और अगर इसको हम लोग रियल अच्छे फॉर्म में लेके आएंगे तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि इसको हम लोग गर्म पानी में थोड़ा सा बॉइल भी कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग अलग चीज भी डाल सकते हैं, मैंने देखा था, तो फिर इसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे। पर मेरे पास जो इतना वाला क्ले है ना उसको यहाँ पे लेके रख देती हूँ, फिर हम लोग उसको यूज करके सब करेंगे, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डो ला चुकी हूँ, देख सकते हो। अब जल्दी से हमें इसके अंदर जो जो सामान मिला है अभी हम लोग उसे ओपन करते हैं। सो ये हमें एक रेड कलर का एक कार्ड या फिर एक बड़ा सा पेपर मिला है, जिसको हम लोग पार्टी हैट कैसे बना सकते हैं वो हम लोग बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन को साइड में रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये है बर्थडे गिफ्ट बॉक्स, बिकॉज हम लोग बर्थडे में जा रहे हैं, और बिना गिफ्ट बॉक्स के तो भाई जिसका बर्थडे होगा उसके दिमाग में इतना गुस्सा आएगा ना, ये फ्री में आया मेरे बर्थडे में, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे भी ऐसा गुस्सा आता था जब कोई गिफ्ट नहीं लेके आता था, तो मम्मी पापा बस बोलते थे कि गिफ्ट थोड़ी ना लेते हैं, बर्थडे में आने दो, नहीं खुशी से आने दो, मुझे फ्री में थोड़ी ना हुई। और फ्रेंड्स, ये है हमारा कार्ड, जो कि हम लोग, ये है हमारा इनविटेशन कार्ड, और कितना क्यूट है, देखो मैं ना मेरे रियल बर्थडे में इनविटेशन कार्ड दे दूंगी, ठीक है, ऐसे वाला। और इसमें लिखा है, टूट द हॉर्न, बैंग द ड्रम, इट्स अ फंडो बर्थडे पार्टी एंड वी वॉन्ट यू टू कम। वाओ, कितना अच्छा, मतलब मुहावरे नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब कितना अच्छा कहावत है, ऐसे बोल सकते हैं कि आप हमारे पार्टी में इनवाइट हो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, और मुझे याद करना पड़ेगा। ये है एक हैप्पी बर्थडे स्टिकर, जो कि बहुत छोटा है, हम लोग इसे स्टिकर लगाएंगे,
हैप्पी बर्थडे, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा इसमें? और फ्रेंड्स इसको तो दिखा लिया, और हाँ जिस रेड कार्ड की मैं बात कर रही थी वो है ये, इसको हम लोग पार्टी हैट बनाएंगे, ठीक है? आप देख सकते हो कितना क्यूट है और कितना मिला, सब तीन तीन मिला, मतलब ये भी तीन तीन ही हाथ, तीन तीन ही मिला, ये देख, और सेम पैटर्न में है। मुझे ना स्मेल करना अच्छा लगता है न्यू कागज को, मैं बुक का जो रहता है ना, जब जैसे ओपन करती हूँ तो स्मेल करती हूँ, कितना अच्छा होता है, मैं जो जो अच्छा नहीं लगता उसको ऐसे रखती हूँ। जो फ्रेंड्स इसको साइड में रख लेते हैं, और ये है हमारा कार्ड जहाँ पे हमें कंटेंट्स लिखा क्या क्या मिला है, फिर हम लोग इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं वो मैं पढ़ लूंगी और कर लूंगी, और ये हम लोग कैसे केक बना सकते हैं और कैसे बलून्स और कैंडल्स बना सकते हैं, कैंडल्स तो जरूरत है भाई। फ्रेंड्स आप कितने ईयर्स के हो रहे हो कमेंट्स में लिख लेना, मैं अभी 14 ईयर्स की हो जाऊंगी। और फ्रेंड्स अब देखते हैं ये क्या है। अच्छा जब केक बन जाएगा तो केक के बाउंड्री को ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ये वही है, तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, इसके ऊपर हम लोग एक, हाँ ये हमको दिया गया है पिंक कलर, उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, उसके ऊपर केक रखेंगे, तो लगेगा एकदम बड़ा सा एक केक बन चुका है। और इसको अच्छे से रहने के लिए हमें ये भी दिया गया है, इसको पहले निकाल लेंगे हम लोग, और कुछ ऐसे जैसे होगा देख लेंगे वो, पर कुछ ऐसे ही है, इसका बाउंड्री है केक का ये है हमारा पक्का, और एक बॉक्स दिया गया जिसके अंदर हम लोग खेलने के बाद रख सकते हैं हमारा केक, मतलब कुछ भी यहाँ पे सामान दिख गया हमें वो। चलो जल्दी ओपन कर लेते हैं इसे, ये इसके हम लोग पूरा हैप्पी बर्थडे का लेटेस्ट दिया है। फ्रेंड्स इसे देख के मुझे याद आ गया, मैं जब छोटी थी ना तो ए बी सी डी ऐसा छोटा छोटा ब्लॉक रहता था, तो मैं उसके साथ खेलती थी, तो मुझे अभी याद आ गया, और सब लोगों ने बचपन में खेला होगा, सबके लिए कॉमन ही है। और ये है हमारा बर्थडे, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक नंबर दिया गया है, पर यहाँ पे 0 नहीं दिया गया है, तो ये एक रॉन्ग चीज़ है, पर हम लोग बना सकते हैं। तो मेरा आ जाएगा 1, 4, 14, मैं ट्राई करूँगी कि मेरा नाम लिखूँ, और हमेशा इधर नाम लिखना है, बिकॉज हम लोग साफ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बंटी लिखा है, बंटी लिखा है, हाँ किसी नटखट बच्चे का नाम है। और ओके कुछ ऐसे सजाना है, और ऊपर हम लोग लगाएंगे हैप्पी बर्थडे जो कि है ये लगाएंगे, ठीक है? चलो अब जल्दी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे है ना, हाँ तब तक ऐसे ही रख लेते हैं ये। और हमें मिल गया ये एक्सट्रूडर, इससे हम लोग, ये मुझे बहुत मिलता है क्ले के टाइम में, इसको हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग इसे कैसे यूज़ करेंगे वो तो हमें पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स ये भी एक मोल्ड है, और ये देखो ये केक का मोल्ड है, ये तीनों जो है ना, ये केक जो बना है तीनों भी पूरा मोल्ड दिया गया है, ये फर्स्ट मोल्ड, और देन हमें मिला है, वाओ कितना क्यूट है ये। फ्रेंड्स ये ट्रायंगल मोल्ड है, आई थिंक बच्चे जो स्नैक्स तो खाएंगे ना बर्थडे में आते हैं, हाँ। मेक अ कट एंड सर्व केक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके केक तो कट कर लेंगे, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, ये तीनों है ना, ये क्या है, इसको चिप्स बना लेंगे, क्योंकि बर्थडे में आई और स्नैक्स नहीं मिला तो नहीं होता ना, स्नैक्स तो चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, इसलिए तो हम बर्थडे में जाते हैं। और ये कैंडल्स जिसका मोल्ड दिया गया हम लोग बनाएंगे, एक मिनट के लिए तो मुझे लगा गन का गोली है बोल कैसे। और फ्रेंड्स ये है बलून्स, सर्कल बलून्स, इसका इधर हार्ट दिया गया है दोनों में, और हाँ ये बहुत ईजी है, हम लोग जो केक का स्लाइस कट करेंगे अभी, समझ लो यहाँ पे केक रखा है तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, बाद में ऐसे निकालेंगे, और बाद में हर एक प्लेट में बराबर केक सर्व करने के लिए दिया गया है, मतलब किसको बड़ा नहीं किसको कम नहीं, बराबर। अच्छा ये सबके पास होना चाहिए है ना। मुझे बहुत क्यूट लगा यू ना, इसे वाला मोल्ड से हम लोग निकाल के ले लेंगे, स्नैक्स बना लेंगे। और ये है हमारा नाइफ, बर्थडे में नाइफ तो चाहिए, पर नाइफ कुछ अलग टाइप का तो अच्छा लगता, और आप देख सकते हो एज यूजुअल डेकोरेशन। ओके तो ये सब आ चुका है, सेटअप बहुत ईजी है, कुछ ऐसे ही सेटअप करना है जो पीछे दिखाया गया है, मुझे तो समझ आ गया कि कैसे सेटअप करना है, मैं देख के सेटअप कर लूँगी। सो फ्रेंड्स अब मैं अच्छे से देख लेती हूँ, इसे अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मुझे पूरा समझ गया कि हमें क्या करना है, जो मुझे ये इंस्ट्रक्शंस बहुत हेल्प किया कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले ये जो राउंड था मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही होगा, हमने वैसे कर लिया, और जो हमें यहाँ पे दिया गया है सर्कल मोल्ड्स पहले निकाल लेना है, बाद में ऐसे लगा लेना है, देख सकते हो ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग जो केक बनाएंगे वो यहाँ पे हमको रखना है ऊपर। इसके हिसाब से हमें 3 मोल्ड तैयार करना है, आपको कौन सा भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। Thank you.
यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे मेरा नाम भी मैंने निकल गया, यहाँ पे मेरा नाम भी लिख लिया है, बलून्स भी आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा स्टैंड भी अच्छे से लग चुका है। और हम लोग ज्यादा बिगाड़ेंगे नहीं कुछ भी, 14 ईयर्स की मैं होने वाली हूँ, मतलब मैं इतने अर्ली क्यों कट करी केक, मतलब मैं 14 ईयर्स की अभी तक हुई भी नहीं और कुछ मेहमान्स बाकी है। और यहाँ पे मेरा केक रेडी हो चुका है, कैंडल्स मेरा रेडी हो चुका है, उसे जल्दी से ब्लो करूंगी और अंदर केक कट करूंगी इसके हेल्प से। और फ्रेंड्स आप जो यहाँ पे मोल्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो मोल्ड्स है वो है फ्रेंड्स बर्थडे गिफ्ट्स, जिस जो हम लोग इस बर्थडे बॉक्स में देंगे। और फ्रेंड्स हम लोग पहले केक कट कर लेंगे, इसे पूरा क्लीन कर लेंगे और बाद में हम लोग बर्थडे हैट्स और बर्थडे गिफ्ट्स और बर्थडे बॉक्स बनाएंगे। चलो अब जल्दी से केक का कार्यक्रम शुरू और खत्म कर लेते हैं और केक सर्व करने के लिए ये प्लेट, ठीक है? चलो अब जल्दी कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुहानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई ये लो आपका केक, पापा से पहले इसका हक होता है आप सभी का, फ्रेंड्स खा लीजिए। ए आपके लिए नहीं फ्रेंड्स, अब पापा ये आपके लिए, मम्मी को दे देंगे तो इसमें रख लेते हैं हम लोग। और फ्रेंड्स अब मैं एंजॉय करती हूँ और केक कटिंग करती हूँ, फिर इसे क्लीन कर लूंगी, फिर बाद में इसे अच्छे से रख दूंगी, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के हेल्प से हैट बनाएंगे और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने बना लिया है गिफ्ट बॉक्सेस और देख सकते हो 1, 2। और फ्रेंड्स ऊपर से ये ओपन है पूरा और ये अच्छे से स्टिक होके नहीं रह रहा है, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, थोड़ा तो मतलब उन्हें बंद करके देना चाहिए था ना। और यहाँ पे हम लोग नेम भी लिख सकते हैं, 2 हम लोग किसे दे रहे हैं, बट मैंने नेम इंसर्ट नहीं किया है बिकॉज हम लोग बार बार खेल सकते हैं और कुछ भी इसमें लिख सकते हैं और किसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे जो मोल्ड्स दिया गया था, मुझे सवाल आ रहा था कि फ्रेंड्स इस मोल्ड्स का क्या यूज़ करें, केक में तो सजा सकते हैं ठीक है और केक में इतना बड़ा बड़ा नहीं अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे गिफ्ट्स का एक शेप दे दूँ, तो हाँ मैं इसे गिफ्ट बनाऊंगी और इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करूंगी। तो चलो अभी हम लोग 2 गिफ्ट्स बना लेंगे, 2 या फिर 1 गिफ्ट्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोल्ड्स लेके आ चुकी हूँ, इसमें से हम लोग कुछ ही क्ले यूज करेंगे इन मोल्ड्स। यहाँ मेरा गिफ्ट्स रेडी हो चुका है, अब मुझे बताना छोटे मोटे गिफ्ट्स कितना क्यूट दिख रहा है ना, और मुझे भी नहीं पता क्या है पर तो भी मैंने बना लिया ये और मुझे वो नहीं समझ रहा था। और फ्रेंड्स फ्लावर को मैंने थोड़ा अलग ही इसको शेप देने के लिए मैंने ये कलर यूज कर लिया ब्लैक। तो अभी हम लोग गिफ्ट्स रेडी कर चुके हैं, ये मोल्ड्स को पूरा साइड कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। हमारा एक स्टोरेज कंटेनर मैंने ये बना लिया था जो बॉक्स के साथ मिला था, तो मैंने उसके अंदर ही सब यहाँ पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स अब मेरा ये आइडिया है कि हमारा जो था हमारा ये पूरा बड़ा बड़ा पेज हमें जो मिले थे इस पूरे क्यूट क्यूट से, इसको अभी हम लोग हमारे बर्थडे हैट्स कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रहा था कि हमें कैसे हैट बनाना है और पापा और मुझे बिल्कुल अच्छे से समझाया नहीं था कि कैसे बनाना है, तो हमने हमारा जुगाड़ लगाया और हमने सेलो टेप के यूज से इसे यूज करके बना लिया। और चलो फ्रेंड्स अब मैं आपको हैट पहना के दिखाती हूँ, ये देखो थोड़ा निकल सकता है, निकल गया निकल जाएगा इसको मेरे कुछ ऐसे। फ्रेंड्स पापा ने एक और एक मेरे लिए एक हैट बना लिया, देख सकते हो ये कटिंग स्टाइल थोड़ा अलग है इसका, वो अलग था और ये अलग है, छोटे बच्चों का ही बड़े बच्चों का ऐसे बना दिया मामा ने, और बहुत मुझे क्यूट लग रहा है, मैं ऐसे पहन पाऊंगी ऐसे इसके में ऐसे। और फ्रेंड्स आपको आज का अनबॉक्सिंग कैसे लगा मुझे बताना, प्लस प्लेइंग वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताना। और फ्रेंड्स दिवाली खत्म होने के बाद ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू ब्रिंग डॉल रिलेटेड वीडियोस, ओ माय गॉड ये इसको निकाल देते हैं। और ओके फ्रेंड्स अगर आपको जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, चैनल में नहीं होंगी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे मेरे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले एनिमेशन वीडियोस देखने बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे बताना कमेंट्स में, तो मैं एनिमेशन वीडियोस लेते रहूंगी। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।